हम यहाँ फंस चुके हैं और कल रात को हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास में डाल दिया है और अब हमें अपनी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी को बताना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। फैमिली मेंबर्स ऑफ हर्ष, हु इज बिलीव्ड टू बी सर्विंग इन द रशियन आर्मी इन द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, आर होपफुल दैट ही विल सून बी बैक होम फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्कसिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द इश्यू ऑफ इंडियंस इन्वॉल्वड इन द वॉर ड्यूरिंग हिज 2-डे विजिट टू मॉस्को। Harsh's parents, who live in Haryana's Karnal town, say after they heard that the issue of Indians trapped in the war was discussed by Prime Minister Modi with Putin, a ray of hope has emerged for the safe return of their son. Harsh ko 7 mahine hone ko aa gaye hain ji, abhi 7 mahine hi ho jayenge, lekin pehle se ab Harsh kuch theek hai ji, baat ho jati hai roz, aur jaise hamari umeed si khoi gayi thi, lekin ab pata chala hai ki apne desh ke pradhanmantri wahan gaye the. तो थोड़ी उम्मीद जागी है जी, देखो भी हमारे बच्चे घर आ जाएंगे। जैसे खबरें चलती रहती थी जी, भी बीच में कई बच्चों की एक्सपायर भी हो गया जी वहाँ लड़ाई में जी, कई बच्चे घायल भी हो गए जी, जैसे जैसे हम टीवी में देखते थे खबरें जी, बहुत परेशानी होती थी हमारे को भाई, एक किस्म से डर लगा रहता जी बिल्कुल जी भाई, कई क्या खबर आ जाए। लेकिन अब परमात्मा की दया से जी, मोदी ने जब वहाँ मिले जी, तो उम्मीद की किरण जागी है जी, बच्चे हमारे जल्द से जल्द वापस आ जाए जी। According to Harsh's parents, Harsh was tricked into joining the Russian army by an agent who lured him with a promise of money. They claim he was promised a non-combat role but was forced to do combat duties. वो तो गए तो थे जी, जब घूमने के लिए ही गए थे जी, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था उसका कि बाहर जाना है, बस सिर्फ उसको घूमने की तो बड़ी जल्दी रहती थी, इंडिया में बहुत जगह घूम चुका है जी वो, पता नहीं बच्चे वहां गए हुए थे, किस एजेंट ने उनको बकाया, कैसे बकाया कि आप यहाँ चले जाओ, अच्छा पैसा कमा लोगे, हम तुम्हारे को आगे निकाल देंगे, पता नहीं किसके काम में आए जी, और उन्होंने उनको वहाँ फंसा दिया गया, और काम किया गया था जी उनको सिर्फ हेल्पर का, लेकिन वो तुरंत ही फ्रंट लाइन पे डाल दिए गए थे। On Tuesday, India's foreign ministry said Russia had agreed to discharge all Indians serving in the Russian army after PM Modi raised the issue with Putin. 4 Indians have so far died in the Russia-Ukraine war. और अब हमें अपनी भारत सरकार